हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सिंगर की आवाज़ सुनने लगे हैं जो ऑटो ट्यून के, मतलब हमें जो गाने सुनते हैं वो ऑटो ट्यून और बाहर से बहुत सी चीज़ें लगने के बाद हमें वो गाना सुनाई देता है। लेकिन आज हम उन्हीं सिंगर्स को जिनको पसंद करते हैं उनकी आवाज़ सुनेंगे बगैर ऑटो ट्यून के, मतलब जो लाइव कैम के अंदर उन्होंने गाई हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल होने लगी है। इसमें इंडियन सिंगर भी हैं और पाकिस्तानी सिंगर भी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखें। तो चलो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो तुलसी है साथ। दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहती हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। दोस्तों, इसके अंदर तो पाकिस्तानी जीता, क्योंकि बहुत ही प्यारी टोन भी उठाई गया और गाना भी गाया। दोस्तों, इनके पास कैमरे अच्छे नहीं है, इतने गंदे कैमरे से वीडियोस बनी हुई हैं। लेकिन आवाज प्यारी है। मुस्तफा आएंगे, हजारों रंग के सितारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। नहीं दोस्तों, इतना मजा नहीं आ रहा इनका मुस्तफा का गाना सुनने के अंदर, तो सॉन्ग सुनने में। तो यहाँ पे हम इंडिया को विनिंग देते हैं। तो दोस्तों, आगे भी बैक और साथ साइड अली बग गए। लेकिन अगर जहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर कंपैरिजन वीडियो के अंदर ये विनिंग एंड फेल था, तो यहाँ पे गिटार नहीं होना चाहिए था साहिर अली बगा के पास, तो इसलिए कि हम लोग इंडिया को यही विनिंग देते हैं। नेहा और आई, नहीं नेहा की बात तो लाइव बहुत प्यारी है। बेवफा मिल दाए, कोई ना समझे मामला दिल दा है। जो भी मिले आसानू बेवफा मिलदा है। वे मैं थो तेरा मन भरिया। आईमा की बात भी प्यारी लग रही है यहाँ पे। बदल गया सारा वे तू गल्ला तेरिया तो लग दयारा। तो दोस्तों, इस जगह पे हम इंडियन और पाकिस्तान दोनों को टाई करते हैं, बराबर हो गए यहाँ पे मैच। तेरी आँखियाँ च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। दोस्तों, आगे है जुबिन और आसिम अजहर। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछ
पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। अच्छा, दोनों की बातें प्यारी है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। अच्छा, अगर वाज देखें तो वाज के लिहाज से दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर उनका इंस्ट्रूमेंट जो बजाया है ना, इंस्ट्रूमेंट के साथ से दोनों अलग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सोनू और राहत आ गया। भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूं। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो इस जगह पे हम राहत साहब को विन देंगे। अधिका साथ है इनके। पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तो दोस्तों उस चैलेंज जो है, जो अंदर दिखाया गया कंपैरिजन, उनको तो मैं रखता ही नहीं हूँ जिसके अंदर दूसरा सिंगर इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहा हो और पहला सिंगर विदाउट इंस्ट्रूमेंट गा रहा हो। तो इसलिए इस जगह पे भी इंडिया को हम विन देंगे, जैसे हमने साहिर अली बगा और उसके दरमियान दिया था। अरमान आ गया। तेरे बाजू मेरा कोई और ता नहीं, हाल मेरा आंखें क्यों नहीं पूछता है तू। ओ, 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 होश ही भुल गई गरम गरम हथ ते डुल गई। इस जगह के ऊपर हम दोस्तों अरमान को करते हैं श्रेया और मोमना मोमिना। Oh my God. तो इस जगह पे मैं पाकिस्तान सुने बगैर ही इंडिया को विनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता आगे मोमिन है और देखते हैं। और हाँ, वही चीज जो मैं पीछे थे जो मैं कह रहा इन्होंने वीडियो के ने थोड़ी अनफेयर की हुई है कि इंडियन सिंगर को ज़्यादातर विदाउट इंस्ट्रूमेंट के दिखाया और पाकिस्तानी सिंगर जो है वो इंस्ट्रूमेंट से गा रहे हैं। तो इस जगह के ऊपर मैं पाकिस्तान को विनिंग नहीं दूंगा, इंडिया को ही विनिंग दूंगा।
पीते मैं उची पारा रखिया तू दिल दे चार चपेरे नाले सांभ के रखी कोई दिल च ना ला दे मैं सुड़िया पहला वे दिल टुटिया तेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारा ते तू इतना बना हो तो दोस्तों अरिजीत और आतिफ असलम आगे मैंने काटी तड़प के आए भर भर के जले मन तेरा भी ये विदाउट ऑटो ट्यून मींस विदाउट ऑटो ट्यून और विदाउट इंस्ट्रूमेंट है वीडियो तो इसके अंदर पता नहीं क्यों अरिजीत का पूरा पीछे वो है ट्रैक है चलो अंकल भी दिखा दिए किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझे तो दोस्तों यहाँ पे सही लग रहा है कि आतिफ असलम बिल्कुल सिर्फ कैमरे के सामने गा रहे हैं और कोई भी पीछे इंस्ट्रूमेंट नहीं तो इस जगह के ऊपर दोस्तों मैं जो हूँ इस जगह के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी सिंगर के अंदर जो आखिरी कहा गया अरिजीत और वैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने इनको टाई कहा था लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि आतिफ असलम इस जगह पे विन हुए हैं क्योंकि उन्होंने कोई भी पीछे वो नहीं है क्या कहते हैं बैंड या फिर कोई भी पीछे ट्रैक नहीं चल रहा बिल्कुल सिंपल बात क्योंकि ट्रैक से आपकी बहुत आवाज़ के जो वो कम होते हैं ना नुक्स वो कम हो जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है तो मैं इंडिया को विनिंग दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सिंगर इंडिया के विन हुए हैं लेकिन जो आखिरी और तीन चार बड़े सिंगर थे जितना रहा साहब आतिफ असलम साहब और वो तो पाकिस्तान के ही विन हुए हैं और साथ ही दोस्तों मैंने पाकिस्तान को इसलिए यहाँ पे पीछे किया इंडिया से इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से सिंगर इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे थे उसी तरह मैंने अरिजीत का भी पीछे कर दिया आतिफ असलम से तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल का कंपैरिजन हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर साफ सुथरी चीज़ें थी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें और अपने फेवरेट सिंगर का नाम ज़रूर लिखें और साथ ही मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय